इसमें। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आज आर्मी डे के मौके पर सेना प्रमुख नरवणे इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, सीधे रुक कर लेते हैं। पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देने की अपनी आदत से लाचार है। सीमा पर प्रशासन शिविरों में तकरीबन 300 से 400 आतंकवादी घुसपैठ करने की फिराक में बैठे हैं। पिछले वर्ष सीज फायर वायलेशन में 44% बढ़ोतरी हुई, जो कि पाकिस्तान के नापाक इरादों का सबूत है। सरहद पार से ड्रोन्स और टनल्स के द्वारा भी हथियार की स्मगलिंग करने की कोशिश की गई। नियंत्रण रेखा पर हमारे सक्रिय ऑपरेशन और मजबूत काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड से न केवल को दुश्मन को भारी नुकसान हुआ, बल्कि घुसपैठ के अनेक कोशिशों को इन प्रयासों से JNK में न केवल हिंसा की घटनाओं में काफ़ी गिरावट आई है, बल्कि आह्वान को भी आतंकवाद से राहत मिली है। देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी सुरक्षा स्थिति में सराहनीय सुधार हुआ है। प्रोएक्टिव ऑपरेशंस की वजह से पिछले साल तकरीबन 600 आतंकवादियों ने सरेंडर किया और साथ ही काफ़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। म्यांमार आर्मी के साथ आतंकवादियों संगठनों के खिलाफ ऑपरेशंस में भारी सफलता हासिल की है। आंतरिक सुरक्षा के लिए सेना की तैनाती में की गई कटौती सुधारते हालातों का सबूत है। सेना और असम राइफल्स राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से देश की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को आकार दे रही हैं। 21वीं सदी के चुनौतियों का सामना करने और युद्ध क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से सेना आधुनिकीकरण और पुनर्गठन की दिशा में लगातार ठोस कदम उठा रही है। इमरजेंसी और फास्ट ट्रैक स्कीम से जरिए हमने 38 स्कीम के अंतर्गत लगभग 5000 करोड़ के हथियार और सामान की खरीदी की है। इसके अलावा कैपिटल प्रोक्योरमेंट के अंतर्गत इस साल तकरीबन 13000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स को अंजाम दिया है। सेना के बहुमुखी विकास के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें इन्फेंट्री के लिए LMG, लाइट स्पेशल व्हीकल्स तथा पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर, मैकेनाइज्ड फोर्सेस के लिए ICVs, आर्टिलरी के लिए लॉन्ग रेंज वेक्टर्स, इंजीनियर्स के लिए अत्याधुनिक प्लांट इक्विपमेंट और सिग्नल्स के लिए कम्युनिकेशन इक्विपमेंट शामिल है। उभरती टेक्नोलॉजी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, अनमैन्ड सिस्टम्स, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और स्वार्म ड्रोन्स के क्षेत्रों में भी देश के अग्रणी शिक्षा संस्थानों के साथ जैसे IITs इनके साथ काम जारी है। आधुनिकीकरण के इन प्रयासों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी तेजी से सुधार हुआ है, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। सेना के आधुनिकीकरण के ये प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की पहल का एक अभिन्न हिस्सा है। भारतीय सेना मेक इन इंडिया के तहत 32,000 करोड़ के 29 आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट्स की पहचान कर चुकी है। प्राइवेट इंडस्ट्री, MSME और एकेडमिया के साथ मिलकर सेना एक आत्मनिर्भर डिफेंस इकोसिस्टम बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इससे स्वदेशी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा और इंपोर्ट्स पर हमारी निर्भरता कम होगी। मुझे विश्वास है कि इन सब प्रयासों के हम एक आत्मनिर्भर सेना का विकास कर पाएंगे। मित्र देशों के साथ रक्षा सहयोग राष्ट्र सुरक्षा की दृष्टि से सेना का एक बेहद महत्वपूर्ण योगदान है। पिछले वर्ष हमारे प्रशिक्षण संस्थानों में मित्र देशों के 3000 से भी ज़्यादा अधिकारी और जवानों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके अलावा हमारी 10 इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम्स सहयोगी देशों के साथ हमारे संबंधों को और भी मजबूत कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि संयुक्त राष्ट्र पीसकीपिंग के तहत
हमारे 5,300 से अधिक सैनिक 8 पीस कीपिंग मिशन्स में दुनिया के बेहद कठिन इलाकों में अपने कर्तव्य निष्ठा से देश का नाम रोशन कर रहे हैं। राष्ट्र निर्माण में सेना का सदा प्रमुख योगदान रहा है। इस साल सबसे महत्वपूर्ण योगदान कोविड-19 से निपटने में देश को प्रयासों का अंजाम देना है। सेना ने सबसे पहले देश भर में 12 स्थानों पर क्वारंटीन फैसिलिटीज बनाई और विदेश से इवैक्यूएट होने वाले देशवासियों की देखभाल की। देश भर में 113 मिलिट्री हॉस्पिटल्स में लगभग 12,000 कोविड बेड निर्धारित किए गए। इन हॉस्पिटल्स में ना सिर्फ फौजी बल्कि सभी नागरिकों का भी इलाज किया जा रहा है। दिल्ली सरकार को 15 एम्बुलेंस देना और नरेला तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड हॉस्पिटल और अन्य कैंपों के लिए मेडिकल टीम्स का सपोर्ट सेना का अन्य योगदान रहा है।